उदाहरण छह, एक शंक्वाकार आकृति के कीप के आधार में शीर्ष पर सूक्ष्म छेद होने से 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की एक समान दर से पानी बूंद बूंद टपक रहा है। पानी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात कीजिए, जबकि पानी की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा कीप का ऊर्ध्वाधर अर्ध शीर्ष कोण 60 डिग्री है। तो हमने शंकु बनाया, शंकुआकार हमने सबसे पहले एक कीप बनाई, तो ये हमने कीप बना दी, ये इसका टॉप हो गया इस प्रकार। अब किसी क्षण हम मान लेते हैं कि पानी यहां तक भरा हुआ है, इसको हम पी बिंदु ले लेते हैं, ये हमारा है ए पी, इसको हमने बिंदु ओ ले लिया, इसको ओ डैश ले लिया, ये हमने बिंदु ई मान लिया, ये एफ मान लिया। इस प्रकार से हमने इसको प्रत्येक शीर्ष को नाम दे दिए। अब हमें क्या मिला है, एक तो हमें मिला है कीप का ऊर्ध्वाधर अर्ध शीर्ष कोण 60 डिग्री है, तो ये मान है 60 डिग्री के बराबर। शंक्वाकार आकृति के कीप के आधार में शीर्ष पर छेद से, सूक्ष्म छेद से 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से पानी जो है वो टपक रहा है। किसी स्थिति में जब पानी इस स्थिति में है, यहां तक भरा हुआ है, तो ऊंचाई तो कितनी हो जाएगी इसकी, शंकु अब यहीं तक लेना है, ऊंचाई तो हो जाएगी ओ डैश पी, ओ डैश पी ये तो हो जाएगी पानी की ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी पीई, पीई अर्थात एल हो जाएगा, ये हमारी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ओ डैश ई ये उस शंकु का, ओ डैश ई जो पानी का जो शंकु बन रहा है उसकी त्रिज्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि जो शंकु का आयतन होता है V बराबर, वो सूत्र हमारा क्या है, 1/3 πr² h। अब ये हमें मिला है 60 डिग्री। देखो इस स्थिति में जब ये L है, जब ये L है और ये 60 डिग्री है, तो हम त्रिकोणमिति की मदद से, ये तो देखो 90 डिग्री होगा, ये कोण 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के साथ वाला ये लंब हो गया, ये हो गया कर्ण, अर्थात ओ डैश ई क्या हो गया, लंब है, ये है कर्ण, तो हम क्या प्राप्त करते हैं, ओ डैश ई लंब बटे कर्ण, ये हमारा एल है, यहां से यहां तक एल है, ओ डैश ई बटा एल ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ये साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। और जो ओ डैश पी है, ओ डैश पी ये हो जाएगा कॉस के लिए हमें ये वाला आधार है, तो ओ डैश पी बटा कर्ण अर्थात एल ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री के बराबर। तो इसलिए ओ डैश ई बराबर तो हो गया एल इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2, और ओ डैश पी ये कितना हो जाएगा, एल इंटू कॉस 60 डिग्री, ये होता है 1/2, ये हमारा ओ डैश पी हो गया। अब इस शंकु में जो पानी का शंकु बन रहा है, ये तो है ऊंचाई और ये है त्रिज्या, और त्रिज्या आर हमारा क्या है, ओ डैश ई, तो शंकु के लिए जो पानी का शंकु बना उसमें वी बराबर कितना हो गया, 1/3, इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, 1/3 πr² r है ओ डैश ई
ओ डैश ई है एल अंडर रूट तीन बटा दो, तो मैं लिख दूं एल इंटू अंडर रूट तीन बटा दो का स्क्वायर इंटू एच। एच यहां क्या है ओ डैश पी, ओ डैश पी है एल इंटू एक बटा दो, तो ये हो गया एल इंटू एक बटा दो, ये हमारा वी का मान हो गया, आयतन हो गया। सरल करते हैं तो एक बटा तीन पाई एल स्क्वायर, ये हो गया तीन बटा चार इंटू एल बटा दू, तीन से ये तीन कैंसिल हो गया, मान कितना आ गया एल क्यूब इंटू पाई बटा आठ, ये हमने प्राप्त किया। अब हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डी वी बाई डी टी बराबर कितना हो गया पाई बटा आठ इंटू एल क्यूब का किया तीन एल स्क्वायर, एल का किया डी एल बाई डी टी, हमने टी के सापेक्ष एल वी बराबर एल क्यूब इंटू पाई बटा आठ का अवकलन कर दिया और यह प्राप्त कर लिया। दिस इंप्लाइज, अब प्रश्न में हमें क्या दिया है, यहां जो आयतन में परिवर्तन की दर है क्योंकि पानी टपक रहा है अर्थात आयतन कम हो रहा है, तो ये डी वी बाई डी टी जो है वो चार सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है और नेगेटिव है, तो डी वी बाई डी टी हमें क्या प्रश्न में मिला है माइनस चार सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, क्योंकि पानी कम हो रहा है, बूंद बूंद पानी टपक रहा है, इसलिए हमें इसको ऋणात्मक लेना है, तो dv बाई dt का मान तो मैं रख दूं माइनस चार, माइनस चार बराबर पाई बटा आठ, ये एज इट इज आ जाएगा पाई बटा आठ इंटू तीन एज इट इज आ जाएगा। प्रश्न में हमें क्या मिला है तिर्यक ऊंचाई चार सेंटीमीटर है, तो l का मान मैं कितना रख दूं यहां पे चार, चार का स्क्वायर किया क्योंकि l स्क्वायर है, चार का स्क्वायर किया सोलह इंटू डी एल बाई डी टी, ये हमने प्राप्त किया। दिस इंप्लाइज, अब देखो आठ से ये कैंसिल हो गया आठ दुनी सोलह, दो से पुनः ये कैंसिल हो गया दो दुनी चार, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस दो तो यहां रह गया अपॉन तीन पाई जो राइट हैंड साइड में है वो यहां वज्रगुणा में हर में आ जाएगा बटे तीन पाई, ये मान आया डी एल बाई डी टी का, अर्थात जो तिर्यक ऊंचाई में परिवर्तन की दर है वो माइनस दो बटे तीन पाई है। माइनस क्या बतला रहा है, वो तिर्यक ऊंचाई घट रही है, तिर्यक ऊंचाई घट रही है, जैसे जैसे पानी नीचे की ओर आएगा तिर्यक ऊंचाई भी घटती जाएगी और वो दर कितनी है माइनस दो बटे तीन पाई। तो इस प्रकार हम क्या पाते हैं कि डी एल बाई डी टी बराबर हो गया माइनस दो बटे तीन पाई, यूनिट क्या होगी एल की यूनिट है सेंटीमीटर, टी की यूनिट है सेकंड, इसलिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यह हमारी इकाई होगी। जो तिर्यक ऊंचाई है पानी की उसके घटने की दर ऋणात्मक बतला रहा है घट रहा है वो है माइनस दो बटे तीन पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड।